अस्सलामुअलैकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी मेहंदी का फंक्शन। तो पहले सोचा नहीं था करेंगे, लेकिन अचानक से बस हो गया कि मेहंदी तो लगवानी है ना। तो मेहंदी सेलिब्रेट की भी नहीं थी शादी के टाइम, तो आज करते हैं मेहंदी भी सेलिब्रेट। कुछ ही लोग आएंगे, इमोन का एक फ्रेंड आएगा, कुछ रिश्तेदार आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रही, अचानक वाली सेलिब्रेशन है। बस कल ही अचानक से सोचा कि आज करना है, तो इसलिए आज कर रहे हैं। आज घर पर मेहमान आएंगे और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मेहंदी का फंक्शन। तो इमोन उस साइड पर वैक्यूम क्लीनर लगा रहा है और मैंने ये ले लिया है झाड़ू। मैं ये झाड़ू लगाऊंगी इस एरिया में और पूरा पोचा वोचा लगा के साफ करूंगी। आओ इमन, हेलो बोल दो। तो चलो अभी ना झाड़ू जो है वो देना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इमन जो है वो यहाँ से पूरा एरिया साफ करेगा, कारपेट वाला। झाड़ू दे दिया और अभी देंगे पोचा, फिर मैं स्टार्ट करूंगी बेडशीट चेंज करना। रूम जो है वो पूरा साफ कर लिया, डस्टिंग भी कर ली। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, ये सब भी साफ कर लिया, ये कचरा फेंकना है और ये एरिया भी पूरा साफ। बस मैं रेडी हूँ, बस सिंपल से ऐसे कपड़े पहन के जा रही हूँ। सबसे पहले मेहंदी लगवानी है, तो इसलिए मेहंदी लगा के आऊँगी, फिर कुछ देर रखूँगी, कुछ घंटे, फिर हाथ धो लूँगी, फिर जाके मैं तैयार होंगी। और आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, तो आप लोग रेडी रहो साड़ी के लिए। मैं भी बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ और जल्दी से बस मेहंदी लगवा के आ जाएँ। सोचा था पार्लर वाली को कॉल करके घर बुलाऊंगी, लेकिन शायद वो घर ना आए, पता नहीं। तो अचानक से ये प्लान किया है ना आज मेहंदी का, तो इसलिए बस मैंने सोचा चलो जाके ही लगवा के आती हूँ। तो चलो लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे अभी आ गई हूँ मेहंदी लगवाने, और ये है पार्लर। तो मेहंदी लगवा के जल्दी से घर चली जाऊँगी। और बाल वगैरह ना मैंने खोल दिए हैं, अभी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया यार, घर जाके सब सेटिंग करूँगी। मेहंदी पहले ड्राई होगी, फिर मेहंदी उतार के शायद देखती हूँ क्या करती हूँ। साड़ी पहनूँगी तो बाल वगैरह ड्राई हो जाए, फिर स्ट्रेट करेंगे घर जाके। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, मेहंदी कैसी होगी देखते हैं। अभी ना मेहंदी स्टार्ट हो गई है और आधे घंटे में लग जाएगी दोनों हाथों में यहाँ पे, है ना। और ये कौन थी, पाकिस्तानी कौन है? तो उम्मीद करती हूँ अच्छा कलर आएगा, लेकिन मेहंदी की डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी है। मैं मेहंदी ना यहाँ से लगा रही हूँ, डिफाइनिंग क्वालिटी स्टूडियो 2000। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो अगर मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे तो। ये मेरा एक हाथ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बाकी दो उंगलियाँ हैं, उसके बाद दूसरा हाथ कंप्लीट करेंगे। फिर इमन जो है वो बाहर वेट कर रहा है, फिर हम जाएंगे घर। फाइनली मेरी मेहंदी जो है वो दोनों हाथों में लग गई है और मेहंदी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच हुमेरा, बहुत अच्छी लगी, फिर से आऊँगी इंशाल्लाह में। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इधर आना और लगवाना इनसे मेहंदी। चलो अभी घर चलते हैं। अभी हम घर आ गए और मेहंदी जो है ना वो अभी तक मतलब ड्राई नहीं हुई सही तरीके से, थोड़ी ड्राई हो थोड़ी देर रखूँगी फिर मेहंदी उतारूँगी। और ये इमोन और राना भाई जो है वो डेकोरेशन कर रहे हैं घर की। वो इमोन गेंडे के फूल लेके आए हैं और मेरे लिए ये ज्वेलरी भी लेके आया है, तो मैं शायद यही पहनूँ आज। ये गेंडे के फूल भी क्या करोगे इमोन, डेकोरेट करोगे उस साइड ना? उधर डेकोरेट करेंगे। और ये मेरी मेहंदी का कलर अभी भी धोखे, उधर भी पाकिस्तान में भी मैंने किया था, इधर भी मैं ही कर रहा हूँ। उधर हम दोनों ने किया था, मैंने भी तो किया था, इधर इमोन और राना भाई। तो ये रही मेरी साड़ी, वो उसका ब्लाउज होगा, और ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई। अभी जल्दी से तैयार होते हैं और ये पहनते हैं, और मैं दिखाती हूँ मैंने इसके पहले कौन सी ज्वेलरी निकाल के रखी थी। और ये मेरी मेहंदी का कलर आया है और कितना खूबसूरत आया यार, आई एम लविंग इट, बहुत ही अच्छा कलर आया है। बहुत ही जल्दी उतार दी थी, एक दो घंटे में ही उतार दी। आज दिन को बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, तो ये इमोन चिप्स लेके आया था, तो ये मैं बस चिप्स खा रही हूँ और ये चाय पी रही हूँ। और ये वाली ज्वेलरी मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन मैं पहनूंगी फ्लोवर वाली शायद। तो मैंने मेरा मेकअप जो है वो डन कर दिया है कुछ इस तरीके से, और अभी साड़ी पहनेंगे, कुछ बाल वाल भी बनाने हैं। सो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं, अभी तक कोई भी मेहमान आया नहीं है, तो ये अच्छी बात हो गई। सिंपल मेकअप लेकिन अच्छा है ना। और इमोन मेरे लिए क्या लेके आया है देखो, हाथ में पहनने के लिए गजरे। असली ये मेरी साड़ी जो है वो एमापू और मामी ने पहनाई है। ये है मामी, हाय। और ये एमापू अभी जो, हाँ फाइनली हम बहुत टाइम बाद मिले हैं पता है। और अभी हम ना ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे, देखते हैं मुझे ना तैयार करें आज दोनों मिलकर। साड़ी बहुत अच्छी हुई है यार। मैं कैमरा जो है यहाँ पे सेट कर रही हूँ, देखते हैं कैसे गर्म लगती सर की मामी ना, 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 ना,
তুমি কত করো না আমার সঙ্গে না করো এটার সাথে আরেকটা এই যে এটা না এইটাই তো বোধহয় যে ক্লিপ দিয়ে আটকে থাকবে না হ্যাঁ আচ্ছা সেন্টার সে বাল করুম কি হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্টার সেন্টার হ্যাঁ ভালো হবে সেন্টার জিন্দেগি মে নেই দেখো সেটাই ভাবছি ইনশাআল্লাহ বিছুল্লাহ রহমানের নাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পরে বলবো হ্যাঁ আমি কিটি লাগাই না করে এই যে হ্যাঁ ক্লিপ না ক্লিপ এই ফিতাতে একটা বেঁধে তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে সামনে এরকম ক্রস জিগজ্যাগ দিতে হবে বড় ক্লিপ Rings. Mm-hmm. It's done. It's done. Khatam. Guys, I'm ready. Dekho. So, ye mami ne taiyar kiya. Thank you, mami. Aur Emma po, idhar aao. Idhar aao. Aur Emma po ne taiyar kiya. Thank you, mami. Nee, mami ne hi zyada kiya. Dono ne milke. Mami. Chhore bok mushke. Ye mujhe bahut acha laga. এটা খুব সুন্দর এসেছে লাল ও ভালো আসছে ওলিশ মানে এক্সপেক্ট নেই কিয়া থাকে ইয়া জায়গা এই যে এই যে হবে हम ना हमारे स्टार्ट करेंगे मेहंदी का फंक्शन चलो एंजॉय करो मेरे साथ और कमेंट से बताओ कैसी लग रही हूँ मैं आज बंगाली स्टाइल में तैयार हुई हूँ जो है वो अभी नहाने गया है तो नहा के तैयार होके आए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पार्टी फाइनली गाइस इमोन इज हियर इतने लेट क्यों किया यार मैं तो सब प्रिंटिंग मीटिंग है इसकी मेहंदी है आज फोटो सिनेमाटोग्राफर आमी डेकोरेटर आमी सब सब से आमी कोलम हां ये सब इमोन ने डेकोरेट किया আচ্ছা ও ভালো
किया, एंजॉय किया, बहुत ही मतलब एक्सरसाइज हो गई। अभी जा रहे हैं सब खाना खा रहे हैं। मामी को ना मैगी सच में पसंद आई। देखो मैगी ऐसे शांत तो मेरे पास भी नहीं बैठते। मेरे फादर और सोबिया, हेलो सबनी के, हेलो हेलो सब सभी आए मेरी मेहंदी में अभी ना। और अम्मी किधर है, अम्मी को भी दो। अमीन 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 आमीन आमीन। ये आ गई मेरी अम्मी। अम्मी शादी तो के मुबारक हो जी। अम्मी जी से साड़ी ऐसे जे तो मेरी शादी था से मुझे पूरा साल साथे शादी साड़ी दिसो साड़ी टी भी लगे माशाल्लाह अल्लाह से नजर का बचाई ने। हां आमीन इंशाल्लाह। हां सच्ची लगा शादी पाकिस्तान में मेहंदी बांग्लादेश में सुठी भी लगा रबिया सुठी भी लगा चलो अभी हम सब ना खाना खाते हैं सो एंजॉय मेहंदी की रस्म स्टार्ट करते हैं। सब थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाएंगे और यहाँ पे चूड़ियाँ भी रखी हैं सबके लिए। सब चूड़ियाँ पहने अलीजा के लिए भी हम लेके आए। ये देखो छोटी सी चूड़ियाँ। सबसे पहले इमा को स्टार्ट करेगी मेहंदी लगाना। ठीक है अभी हमारी मेहंदी की रस्म स्टार्ट हुई है। फाइनली डांस वांस खाने भी नहीं पा। মন তো পুরা প্রফেশনাল চলো মেহেন্দি কে সাথ সাথ চুড়িয়া ভি পেনে এ শর্মী নে ব্লু কালার কি চুড়িয়া পেনি হে মামি নে পেনা ইয়েলো আ গই না সাইজ গুড জব ইমো আচ্ছি সাইজ লেকে আয়ো মাস্টার ইমা তো ইয়ে আয়া হে মেহেন্দি কা কালার ইসকো বাদ মে সহি কর লুঙ্গি হালকা কালার আয়া लेकिन कोई बात नहीं नीचे दिखेगा नहीं। ये रहा हमारा केक। चलो अभी केक वेक काटे। ये केक कमर मामा और मोहन जी मामी लेके आई है तो अभी चलो केक काटते हैं और पार्टी को एंड करते हैं ना। खूबसूरत केक है बहुत। हमारा नाम लिखे है वो आज का मेहंदी का जो व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत मजा आया। हमने बहुत डांस किया। कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा क्लिप्स नहीं लगा पाई लेकिन बहुत डांस किया। सिंधी गाना में डांस किया, बांग्ला में, हिंदी में, तो इतना मज़ा आया। और ये मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा हुआ है। तो हमारा जो वलीमा है वो भी जल्द होने वाला है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और उम्मीद है आप लोगों ने भी मेरे साथ इन्जॉय किया होगा। साड़ी पहन के तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है फीलिंग। साड़ी खूबसूरत है, साड़ी की ड्रेस। मैगी ने भी सबके साथ बहुत खेला। मैगी इधर आओ। आज मेरी मेहंदी थी। माँ जो है उनके एलर्जी हुई है बहुत, तो वो रेस्ट कर रही है। हाँ। और बहुत एलर्जी हुआ है, बुरा इधर इधर एलर्जी। माँ को बहुत एलर्जी हो गई, बस अच्छा लगा जल्दी ठीक हो जाए। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपने बहुत सारा ख्याल रखना। सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।